आठ गेंदे हो चुकी है, जबकि दूसरी ओवर की दो गेंदे हो चुकी है, इस ओवर की चार गेंदे हैं शेष। ठीक है, पहली बार सामना करेंगे यहां पर आबिद, नवीन का देखेंगे पहला या पहली सफलता दिलाते हुए अपने टीम के आफ्ताब लाइन वाले के पर पहली सफलता दिलाई नवीन ने, जो कि हार्ड हिटर बल्लेबाज मनीप मनीप के रूप में यहां पर पहला झटका लगा वहां पर अमीन सिंह जसवाली को। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर पहली बार सामना करेंगे आबिद, ऑफ स्टंप से हल्का तो से खेला जब तक फील्डर फील करते आसानी से एक रन मुकम्मल, इसी के साथ अपने एक रन के साथ खाता खोलते हुए यहां पर आबिद कप्तानी पारी खेलने लगी वहां पर उनको। अगर अपने टीम को यहां पर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है करवाना है तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर आबिद को। देखो इस ओवर की तीन गेंदे होने से देखो स्कोर पहुंच चुका है 17 रन, काफी बढ़िया गेंदबाज मानी जाते हैं यहां पर नदीम आफ्ताब लाइन वाले की तरफ से पहला विकेट लेकर यहां पर ओवर द विकेट और यहां पर लेफ्ट साइड की दिशा में खेला यहां पर मुख्तार ने, जब तक के मुसलमान भाई फील्ड करते यहां पर एक रन मुकम्मल कर, थोड़ी सी आउटफील्ड खराब होने की वजह से थोड़ा सलमान भाई को यहां पर बॉल नहीं दिखा और यहां पर काफी बढ़िया रनिंग बटन विकेट दो रन आसानी से यहां पर मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने, इसी दो रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। ठीक है, इस ओवर की दो गेंदे होना शेष, ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे फिर मुख्तार के लिए, मुख्तार फिर एक बार सामना करेंगे यहां पर मुबीन का, स्लोअर गेम यहां पर पूरी तरीके से बीट होते हुए यहां पर अपील हुई पर अंपायर पर कोई असर नहीं, यहां पर कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर यही कहो रुका हुआ थमा हुआ 19 रन पर, इस ओवर की एक गेंद में आशीष काफी बढ़िया गेंदबाजी करे यहां पर मुबीन, पहली बॉल में छक्का खाने के बाद काफी बढ़िया कमबैक किया है यहां पर ओवर द विकेट फिर एक बार मुख्तार के लिए यहां पर ऊपर जाती है गेंद और यहां पर दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर दोनों ही ओपनर बल्लेबाज यहां पर वापस, काफी बढ़िया गेंदबाजी की यहां पर मुबीन ने, जो कि पहले यहां पर मनीप का आउट गिरा और दूसरा विकेट 19 रन पर गिरा, देखिए पहला विकेट मनीप के रूप में यहां पर गिरा और दूसरा विकेट यहां पर ओपनरी बल्लेबाज यहां पर मुख्तार के रूप में गिरा, जो कि दो और किक के दम पर स्कोर पहुंच चुका 19 रन, लास्ट ऑफ टू विकेट्स, देखेंगे उनकी जगह सामान्य कौन जाते हैं यहां पर दोनों ही ओपनर बल्लेबाज यहां पर पवेलियन में वापस। मुख्तार की जगह से मिलने जा रहे रियान, चूंकि देखेंगे तीसरी ओवर लेकर कौन आता है यहां पर, दोनों ही क्रीज पर नए बल्लेबाज, दो ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंच चुका है 19 रन, लास्ट ऑफ टू विकेट्स यहां पर देखेंगे तीसरी ओवर लेकर यहां पर कौन आता है आफ्ताब लाइन वालोटी की तरफ से और यहां पर क्रीज में अब दोनों ही नए बल्लेबाज है, दोनों ही ओपनर जोड़ी जो थी वहां पर मुनीब और मुख्तार, काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज दोनों ही माने जाते हैं, काफी बढ़िया रन बटोरे उन्होंने दो ओवर में यहां पर 19 रन बटोरे और यहां पर दोनों ही पवेलियन में वापस, पहला विकेट जो कि 16 रनों पर गिरा और दूसरा विकेट 19 रनों पर गवा कर दोनों ही वापस पवेलियन में, देखेंगे तीसरी ओवर लेकर कौन आते हैं यहां पर आफ्ताब लाल मालोटी की तरफ से और यहां पर चार इस इनिंग की जगह चार ओवर अब तक आना बाकी, ठीक है दो ओवर हो चुके हैं चार ओवर बाकी है अभी तक, देखेंगे चार ओवर में कितने रन बटोर पाती है दोनों ही टीम, चूंकि तीसरी ओवर लेकर आए फिर एक बार सतीश को मोर्चे पर लगाया यहां पर कप्तान ने वहां पर
पहली ओवर में का थोड़े महंगे साबित हुए थे, वहां पर 10 रन दिए थे अपने, कोई विकेट नहीं लिया था यहां पर सतीश ने। फिर एक बार कप्तान ने भरोसा दिखाया उन पर, तीसरी ओवर पर फिर एक बार मोर्चे पर लगाया उनको। ऊपर दो विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर, पहली बार सामना करेंगे यहां पर आबिद, और यहां पर सटी हुई गेंद टपक लगकर अंपायर का इशारा, एक रन डिक्लेयर, इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। ठीक है, इस ओवर की 5 गेंदें आना शेष। ठीक है, पहली बार यहां पर एज लगकर यहां पर एक रन डिक्लेयर दिया गया हुआ है, और वहां पर नवीन भाई के पास जो बॉल है वो दिया जाए, वहां पर पुराना बॉल जो दिया हुआ है ना। और यहाँ पर ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, यहाँ पर पहली बार सामना करेंगे यहाँ पर रियान, देखें कितने रन बटोर पाते हैं अपनी टीम के लिए। यहाँ पर ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, यहाँ पर सतीश हटकर खेलने की कोशिश, यहाँ पर लेग साइड की दिशा में खेला, एक रन मुकम्मल किया, वहां पर दूसरे रन के लिए आना चाहते थे पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पर बाउंड्री लाइन पर निनाद की, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को, काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पर बाउंड्री पर। इसी के साथ एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। फिर एक बार ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर आबिद के लिए, पटकी हुई गेंद वहां पर लेग साइड की दिशा में खेला, अंपायर का इशारा, एक रन डिक्लेयर, इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। इस ओवर की 3 गेंदें आना शेष, जो कि अब भी एक बैटिंग, एक ओवर का बैटिंग पावर प्ले बाकी है, जो कि 3 ओवर में लिया जाएगा, देखेंगे कब लेती है बैटिंग टीम। पहले पावर प्ले में 10 रन वहां पर बटोरे थे दोनों ही बल्लेबाजों ने, मुनीब ने और मुख्तियार ने। फिर एक बार ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, यहां पर सामना करेंगे रियान, पटकी हुई फिर एक बार गेंद, अपील भी वहां पर, बढ़िया अपील भी वहां पर अंपायर पर कोई असर नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट होती हुई गेंद, स्कोर वही क्यों रुको 22 रनों पर। इस ओवर की 2 गेंदें आना चाहिए, जो कि पहले ओवर में का थोड़े महंगे साबित हुए थे वहां पर 10 रन, जो कि अब 4 गेंदों में सिर्फ 3 ही रन खर्च किए यहां पर सतीश ने। जो कि अपने अपने कप्तान के भरोसे पे खड़े उतरते हुए वहां पर सतीश। फिर एक बार पटकी हुई गेंद लेग साइड की दिशा में खेला, एक रन मुकम्मल किया, पर दूसरे रन के लिए रन आना चाहते थे पर एक ही रन से संतुष्ट, इसे एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। चलिए सोवर की 1 गेंद आना शेष, काफी बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, सिर्फ 4 रन खर्च किए 5 गेंदों में, जो कि 4 सिंगल्स और एक डॉट दिया है यहां पर, जो कि आखिरी ओवर तीसरी ओवर की ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर सतीश, सामना करेंगे यहां पर आबिद, बढ़िया शॉट वहां पर लगाया, सीधी गेंद से मेरे घर के बाहर 6 रनों के लिए, पटकी हुई गेंद और उतना ही बढ़िया शॉट, किसी भी फील्डर्स को कोई मौका नहीं गेंद पकड़ने का, सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, जो कि स्कोर बढ़ चुका है 29 रन। एक ओवर के एक प्रोग्राम पर स्कोर पहुंच चुका है 29 रन, 3 ओवर के एक प्रोग्राम पर स्कोर पहुंच चुका है 29 रन। जब 3 ओवर के एक प्रोग्राम पर स्कोर पहुंच चुका 29 रन, लास्ट ऑफ 2 विकेट्स यहां पर, ओपनिंग जोड़ी वहां पर पवेलियन में वापस, काफी बढ़िया कप्तानी वहां पर, कप्तानी पारी खेलते हुए वहां पर आबिद, काफी बढ़िया बल्लेबाज माने जाते हैं, जो कि पहले ओवर में वहां पर 10 रन खर्च किए थे, यहां पर दूसरी ओवर में भी वहां पर 10 रन खर्च किए, जो कि 5 गेंदें काफी बढ़िया की थी उन्होंने, आखिरी गेंद पर वहां पर छक्का लगाकर काफी बढ़िया बल्लेबाजी दिखाई वहां पर आबिद ने।
जो कि तीन ओवर के एक प्रदान पर स्कोर पहुंच चुका है 29 रन। लेकिन जो चौथी ओवर इसको लगाते हैं वहां पर मोर्चेपर कप्तान और यहां पर अभी भी बैटिंग पावर प्ले बाकी है यहां पर एक ओवर का और यहां पर बैटिंग पावर प्ले लगता ही है वहां पर बल्लेबाजों ने और यहां पर बैटिंग पावर प्ले लिया है वहां पर बल्लेबाज ने तो ये ओवर बैटिंग पावर प्ले का होगा लेकिन ये चौथी ओवर कौन लेकर आता है यहां पर लगता है मुबीन को मोर्चे पर लगाया गया यहाँ पर काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी उन्होंने पहली ओवर में जो कि दो विकेट काफी बढ़िया बड़े ओपनर बल्लेबाज वहां पर वापस कराए थे दोनों ही मुख्तार और मुनीब को पहले ओवर में देखेंगे ये ओवर में कितने रन बटोर पाते हैं बैटिंग पावर प्ले में जो कि तीन ओवर के इकतेदम पर स्कोर पहुंच चुका है 29 रन जो कि ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे मुबीन पहली बार सामना करेंगे पर रियान ओवर द विकेट गेंदबाजी यहां पर कट लगते हुए वहां पर एक रन डिक्लेयर इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन जो कि अभी इस पावर प्ले के पांच गेंदें आना बाकी है देखेंगे पांच गेंदों में कितने रन बटोर पाते हैं यहां पर कप्तान अपनी टीम के लिए जो कि मोर्चे पर यहां पर गेंदबाजी पर लगाया मुबीन को जो कि पहली ओवर में काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी उन्होंने 9 रन देकर वहां पर पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद काफी बढ़िया कमबैक किया था उन्होंने दो विकेट भी निकाले थे फिर एक बार ओवर द विकेट गेंदबाजी करके पर सामना करेगा पर आगे फुल टॉस बॉल और कोई फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज लॉन की दिशा में सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बड़ा हिट हो सकता था इस गेंद पर फुल टॉस बॉल पर एक बार ओवर द विकेट गेंदबाजी करके सामना करेंगे रियान देखेंगे क्या कर पाते अपनी टीम के लिए और काफी बढ़िया गेंदबाजी वहां पर डॉट बॉल वहां पर कराई कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं स्कोर रुका हुआ थमा हुआ 31 रनों पर लॉस्ट ऑफ टू विकेट्स फिर एक बार ओवर द विकेट यहां पर गेंदबाजी करके तीन गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए अब तक और यहां पर ऑफसाइड की दिशा में खेला वहां पर कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर्स ने सीधी गेंद से मारे करके बाहर 4 रन काफी बढ़िया गैप में खेला वहां पर ऑफसाइड की दिशा में हल्के हाथों से खेला दोनों ही फील्डर्स के बीच में गेंद सीधी से मारे करके बाहर 4 रन इसी 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन 35 रन लॉस्ट ऑफ टू विकेट्स ओवर की दो गेंद आना शेष देखिए दो गेंदों में कितने रन बटोर पाते हैं यहां पर रियान और आबिद अपनी टीम के लिए फिर एक बार ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज रियान के लिए पटकी हुई गेंद वहां पर सीधी गेंद से मारेगा के बाहर 6 रनों के लिए और इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन यहां पर लॉस्ट ऑफ टू विकेट्स काफी बढ़िया शॉट वहां पर लॉन की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहां पर पावर प्ले में यहां पर पावर प्ले चल रहा है इसी के लिए यहां पर तीन ही फील्डर वहां पर बाहर रखे हुए और फायदा उठाते हुए वहां पर रियान उस फील्डिंग का पावर प्ले का इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 41 रन इस ओवर की एक गेंद आना शेष
इस पावर प्ले की एक गेंद आना शेष, और दिन क्रिकेट गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर रियांग के लिए, और यहाँ पर लेग साइड की दिशा में क्या लॉन्ग रन की दिशा में, जब तक ये फील्डर फील्ड करते हैं आसानी से एक रन मुकम्मल, क्योंकि चार ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंच चुका है 42 रन, लॉस्ट ऑफ टू विकेट्स, काफी बढ़िया यहाँ पर साझेदारी दोनों ही फील्डर्स के बीच में, यहाँ पर रियान और अबिद के बीच में यहाँ पर काफी बड़ी पार्टनरशिप होती हुई यहाँ पर, और काफी महंगे साबित हुए यहाँ पर मुबीन दूसरी ओवर में 13 रन खर्च किए अपने उस ओवर में, कोई विकेट नहीं लिया, जो कि पहले ओवर में 9 रन लिए थे और दूसरे ओवर में 13 रन खर्च किए, जो कि अभी इस इनिंग की दो ओवर्स आने बाकी है, देखेंगे पांचवी ओवर लेकर कौन आता है यहाँ पर, कप्तान किसको मोर्चे पर लगाते हैं, जो कि हमें लगता है फरहान को गेंदबाजी दी गई यहाँ पर, पांचवी ओवर लेकर आया यहाँ पर फरहान, थोड़ी सी फील्ड सेटिंग करते हुए यहाँ पर कप्तान, देखेंगे दो ओवर में कितने ओवर पाते हैं यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर रियान, जो कि पिछले ओवर में एक छक्का भी लगाया था उन्होंने लॉन्ग रन की दिशा में, और यहाँ पर ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, और एक अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर, पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, चूंकि अंपायर का इशारा वहां पर वाइड बॉल, इसे एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन, फिर एक बार पटकी हुई गेंद वहां पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं वहां पर, समय में पाए रन, थोड़ी सी पिच करने के बाद अंदर की ओर आती हुई गेंद, काफी सूझबूझ भरी क्रिकेट खेली होगी यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को, अगर अपने टीम को यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुंचाना है तो, फिर एक बार और विकेट गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर रियान के लिए, ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद कट कराने की कोशिश, अंपायर का इशारा एक रन डिक्लेयर वहां पर दिया जाएगा, इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 44 लॉस्ट ऑफ टू विकेट्स, और जो कि यहाँ पर दो गेंदों में दो रन दिए अब तक फरहान ने, देखेंगे चार गेंदों में कितने रन खर्च करते हैं, और दो विकेट गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर, पटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा वहां पर, जो कि 22 का एक रन मिलेगा वहां पर, कीपर वहां पर कलेक्ट नहीं कर पाए इस गेंद को, अगर कीपर कलेक्ट करते हैं तो कोई रन नहीं होता वहां पर, एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन 45 लॉस्ट ऑफ टू विकेट्स, फिर एक बार और यहां पर ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर फरहान, आबिद के लिए पटकी हुई गेंद, एक साइड की दिशा में खेला एक रन मुकम्मल किया, पर दूसरे रन के लिए आना चाहते थे, देखेंगे रन का खतरा हो सकता है वहां पर, और यहां पर विकेट, काफी यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों बल्लेबाज के बीच में, और यहां पर रियान अपना विकेट गवाकर वापस, जो कि तीसरा झटका लगता हुआ रियान के रूप में यहां पर 46 पर यहां पर तीसरा झटका लगता हुआ, मुझे नहीं लगता दूसरे रन की यहां पर जरूरत थी, जो कि इस ओवर की दो गेंदें आना शेष, फरहान काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर, चूंकि उनकी जगह सामान ले गया है गए हैं यहाँ पर मीरान, काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं यहाँ पर मीरान एनएनसीसी जसोली के लिए, ओवर के गेंदबाज लेग साइड से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, इसे वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, और एक अतिरिक्त एक और रन मिलेगा वहां पर 22 का, क्योंकि स्कोर बढ़ चुका है 48 रन, जो कि दो अतिरिक्त रन मिलेंगे यहां पर, एक बार बाजी करेंगे यहां पर फरहान अबिद के लिए, पटकी भी गेंद यहां पर लेग साइड की दिशा में खेला हुआ पर, जब तक फील्डर फील्ड करते एक रन मुकम्मल किया,
और वहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसे एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन्स, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स, आउट है ये। देखिए इस ओवर की आखिरी गेंद आना शेष, ओवर की विकेट गेंदबाजी करने वाले मीरान के लिए हिट करने की कोशिश हुई है, पर आसान से कैच हो सकता है और आसान से कैच, और यहाँ पर मीरान अपना खाता भी नहीं खोला उन्होंने यहाँ पर, और पवेलियन में वापस चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर एमएनसीसी जसवाली को, काफी बढ़िया गेंदबाजी की यहाँ पर फरहान ने, मीरान को यहाँ पर जीरो पर आउट किया। लेकर आया पर मिसराफ, और विकेट गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर आदित के लिए यहाँ पर, लेकिन कप्तान अपने टीम के लिए कितने रन बदल पाते यहाँ पर आखिरी ओवर में, पटरी हुई गेंद यहाँ पर एक आसान सा कैच हो सकता है यहाँ पर, और बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा, दूसरा कैच पकड़ा वहां पर फील्डर्स ने वहीं पर यहाँ पर, इसके पहले मीरान का कैच पकड़ा था, अब यहाँ पर आदित कप्तान का कैच पकड़ा है, और एक काफी बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर आबिद के रूप में यहां पर, यहां पर 10 रन का फर्क पड़ता हुआ यहां पर, जो उन्नीर जो कि आबिद की जगह समझ लगा है उन्नीर, देखेंगे पांच गेंदों में कितने रन बटोर पाते हैं अपने टीम के लिए, काफी बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी की है यहां पर आबिद ने, बड़ा हिट लगाना चाहते थे और काफी बड़े कमबैक किया वहां पर, जो एक गेंद हो चुकी है, स्कोर पर हो चुका है 49 रन, इस ओवर के अभी पांच गेंद आना शेष, और यहां पर पहली बार सामना करेंगे यहां पर अजमल, देखेंगे कितने रन बदल पाते हैं अपने टीम के लिए, मजियाफ ओवर ब्रेकर गेंदबाजी करेंगे, पहली बार सामना करेंगे यहां पर अजमल, एक्शन से बाहर जाती है गेंद, और वहां पर अंपायर डिसीजन देंगे, वहां पर अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन माना जाएगा, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, क्या वहां पर बल्लेबाज को टच कर गई है कि नहीं है, वहां पर अंपायर डिसीजन देंगे जो भी डिसीजन लेना है, ठीक है अंपायर का डिसीजन वहां पर आखिरी डिसीजन माना जाएगा, अंपायर का इशारा वहां पर कोई रन नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं वहां पर, क्योंकि शोर की चार गेंदें होने शेष, जो कि स्कोर यही के ओवर रुका हुआ था मावा 49 रनों पर, इस ओवर की चार गेंदें होने बाकी,
लोअर विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर राइट विंगर बल्लेबाज अजमल के लिए, अजमल बैटिंग क्रीज में तैयार, हटकर खेलने की कोशिश यहां पर लेग साइड की दिशा में खेला यहां पर कोई भी मौका नहीं किसी भी यहां पर फील्डर्स को, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रन। पहली बार विकेट निकाला था जो कि बड़ा विकेट निकाला वहां पर मिर्जियाफ ने आदित का, उसके बाद में डॉट गेंद करा, उसके बाद में एक चौका लगा वहां पर तीसरी गेंद पर वहां पर अजमल ने लेग साइड की दिशा में, क्योंकि स्कोर बढ़ चुका है 53 रन्स, इस ओवर की और इसी इनिंग की तीन गेंद होना शेष, देखते इस तीन गेंदों में यहां पर कितने रन बटोर पाते यहां पर अजमल और उमर अपनी टीम के लिए, थोड़ी सी फील्ड सेट होती है वहां पर, फील्डिंग सेट करते हुए वहां पर कप्तान। फील्ड सेट होती हुई परवेज सलमान, फिर एक बार मिर्जियाफ ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे अजमल के लिए, ऑफ स्टंप से बाहर आकर खेलने की कोशिश, अंपायर का इशारा, विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर अजमल के लिए, यहां पर उठाकर खेला यहां पर और एक मिनट बढ़िया फील्डिंग यहां पर मेहनत की, एक आसान सा कैच रन्स, क्योंकि जैसे वहां पर रियान का विकेट गिरा काफी परेशानी में दिखी वहां पर टीम, पर इस इनिंग की और इस ओवर की जो कि स्कोर पहुंच गया 53 रन, 54 रन हो चुके, जो कि एक 22 का रन दिया गया है जो वाइट बॉल बोल रहे थे, फिर एक बार ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे तो 15 रन में करेंगे उन्हें पटकी गई गेंद और यहां पर रनआउट का खतरा, तीन ओवर में रन नहीं आए वहां पर एमएनसी से 10 रन के, क्योंकि तीन ओवर में स्कोर पूरा 29 रन, उसके बाद यहां पर सिर्फ 25 रन बना पाई यहां पर टीम 18 गेंदों में, पहले 18 गेंदों में 29 रन बने और आखिर के 18 गेंदों में सिर्फ 25 रन बना पाई यहां पर टीम, जो कि जीत के लिए यहां पर 55 रनों की जरूरत है, यहां पर 36 गेंदों में 55 रनों की जरूरत, अगर क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल में तो 36 गेंदों में 55 रन बनाने होंगे, अगर जसवली को यहां पर एमएनसीसी जसवली को यहां पर अगर क्वालिफाई करना है तो 55 रनों के अंदर रोकना होगा यहां पर आफ्ताब इलाहाबाद लॉटरी को जीत के जीत से, क्योंकि 36 बड़ा मुकाबला दोनों ही टीम के बीच में एमएनसीसी जसवली और आफ्ताब इलाहाबाद वाली टीम,
एनएनसी से जसवाल ने पर टॉस जीता था और पर बल्लेबाजी का फैसला लिया। काफी बड़ी शुरुआत बुलाई थी यहाँ पर मुनीर ने, मुनीर और मुख्तार ने। काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते थे दोनों ही एनएनसी से जसवाल के लिए। काफी बड़ी शुरुआत भी बुलाई थी उन्होंने, जैसे यहाँ पर मुनीब का विकेट गिरा, उसके बाद में फिर मुख्तार का विकेट, फिर उसके बाद में रियान का विकेट, जो कि रियान का विकेट गिरने के बाद यहाँ पर टीम उभर नहीं पाई यहाँ पर एनएनसीसी जसवाली, जो कि पहले तीन ओवर में 29 रन बनाए थे और आखिर के तीन ओवर में सिर्फ 25 रन बनाए 18 गेंदों में। अगर वो यहाँ पर रियान का विकेट नहीं होता तो मुझे लगता है काफी बड़ा स्कोर होता है यहाँ पर, लगता है 70 से 80 रन के बीच में होता है यहाँ पर अगर रियान का विकेट नहीं जाता वहां पर। काफी बड़ा पार्टनरशिप चल रही थी वहां पर कप्तान और रियान के बीच में, वहां पर कप्तान आबिद और रियान के बीच में काफी बढ़िया वहां पर बल्लेबाजी हो रही थी। जैसे ही वो विकेट गिरा वहां पर परेशानी में टीम दिखी वहां पर एनएनसीसी जसवाली, क्योंकि देखेंगे आफ्ताब अलम वालवाडे की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए कौन आता है वहां पर, इतना बड़ा लक्ष्य नहीं रखा हुआ है यहाँ पर, 36 गेंदों में 55 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है। की कप्तान से गुजारिश करता हूं कि अपने वहां पर बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज जल्द से जल्द यहां पर ग्राउंड में भेजे, जो कि पहला ओवर बॉलिंग पावर प्ले होगा। लेकिन ये बॉलिंग पावर प्ले में कितने रन बटोर पाते हैं यहां पर दोनों बल्लेबाज, यहां पर नवीद और तमीम काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं दोनों ही अपनी टीम के लिए। काफी बढ़िया फॉर्म में दिखे यहां पर दोनों ही पिछले मैचों में, तमीम और नवीद। अगर अपने टीम को यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल में तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर तमीम और नवीद को। 36 गेंदों में 55 रनों की जरूरत, यहाँ पर 55 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है यहाँ पर एमएनसीसी जसवाली ने। देखेंगे पहली गेंदबाजी यहाँ पर एमएनसीसी जसवाली की तरफ से कौन करता है यहाँ पर, किसको मोर्चे पर लगाते हैं यहाँ पर अपने कप्तान पहले ओवर में। हमें लगता है खुद कप्तान लगता है पावर प्ले में गेंदबाजी, क्योंकि जितनी बढ़िया वहां पर बल्लेबाजी की थी उतनी बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर आबिद को। और जो कि 36 गेंदों में यहाँ पर 55 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है, क्योंकि आफ्ताब अलम वालवाडे की तरफ से यहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाज तमीम और नवीद, जो कि स्ट्राइक पर है तमीम और नॉन स्ट्राइक पर है नवीद। काफी बढ़िया बल्लेबाज माने जाते हैं दोनों ही अपनी टीम के लिए आफ्ताब अलम वालवाडे की जानिब से। यहाँ पर अपील हुए बढ़िया अपील हुए यहाँ पर कीपर के दस्ताने में गेंद गई और यहाँ पर अपील हो रही है। और वहां पर फील्डर्स को लगता है थोड़ी आवाज आई है वहां पर, अंपायर डिसीजन लेके वहां पर अंपायर का इशारा नॉट आउट, जो कि पहले बॉल पर काफी बढ़िया अपील पर इतनी अच्छी अंपायरिंग वहां पर दानिश दंशे और नवीद वरविंदे की, जो कि पहले बॉल पर वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं,
थोड़े से अंपायर फील्ड सेट करते हुए वहां पर पावर प्ले में पावर प्ले की ओवर है ये, जो कि दूसरी ओवर राइट हैंड राउंड गेंदबाजी करेगा पर तमीम के लिए, तमीम लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, और इस एक अतिरिक्त रन के साथ जो कि अपना खाता खोलते हुए यहाँ पर आफ्ताब लोनावटी एक रन के साथ, जो कि एक गेंद और एक रन, इस ओवर की पांच गेंदें आना शेष। फिर एक बार ओवर द विकेट राउंड विकेट गेंदबाजी करेगा यहाँ पर तमीम के लिए, और आप ऑफ साइड की दिशा में खेला हल्के हाथ से, जब तक फील्डर फील करते आसानी से एक रन मुकम्मल, जो कि फुल टॉस बॉल था यहाँ पर फायदा उठा सकते थे वहां पर तमीम ऑफ साइड की दिशा में, जो कि फील्डर वहां पर ऑफ साइड में सर्कल में लगाया हुआ है यहाँ पर फुल टॉस बॉल का वहां पर कोई फायदा नहीं उठा पाए तमीम, इसे एक रन के साथ बढ़ता है स्कोर दो रन। राइट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी करने पर नवीद के लिए यहाँ पर ऑफ साइड की दिशा में खेला, और यहाँ पर रनआउट का खतरा हो सकता है, पर वहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वहां पर थोड़े से गिरते हुए वहां पर तमीम, पर कोई नुकसान नहीं हुआ पर आफ्ताब लोनावटी को, डॉट होती हुई गेंद, पड़ी हुई फील्डिंग वहां पर ऑफ साइड में फील्डर्स की, कोई रन नहीं दिया वहां पर, चूंकि दो 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 बॉल में तीन मिनट स्कोर कर चुका है दो रन, पटकी हुई गेंद एक साइड की दिशा में खेला, अंपायर का इशारा एक रन डिक्लेयर, एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर तीन रन, चूंकि चार गेंद में स्कोर कर चुका है तीन रन, काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर आबिद, दोनों बल्लेबाज को यहाँ पर रोक कर रखा है, बड़े शॉट नहीं लगाने दे रहे, ओवर की दो गेंदें आना शेष, राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर तमीम के लिए, फुल टॉस बॉल, बढ़िया शॉट वहां पर, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर छह रन, फुल टॉस बॉल का काफी पूरा फायदा उठाया वहां पर बल्लेबाज ने, पावर प्ले का फायदा उठाया, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर छह रनों के लिए, काफी बढ़िया हिट, इसी छह रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर नौ रन, इस ओवर की एक गेंद आना शेष, जीत के लिए अभी भी 46 रन की जरूरत यहां पर 31 गेंदों में, आखिरी गेंद इस ओवर की और इस पावर प्ले की, राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर तमीम के लिए, और यहां पर बढ़िया शॉट, और यहां पर बैटलैंड फील्डर है नवीद उमेर, और बढ़िया कैच, पहला झटका लगता हुआ यहां पर तमीम को, तमीम के रूप में यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर आफ्ताब लोनावटी को, और यहाँ पर पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पर एमएनसीसी जसवली को तमीम के रूप में, और तमीम यहाँ पर अपना विकेट खोकर वापस, जैसा मुनीफ का हुआ था यहाँ पर पहला छक्का मारे उसके बाद में आउट होते, वैसे तमीम ने छक्का मारे उसके बाद में आउट होकर पवेलियन वापस, देखेंगे किस बल्लेबाज को मैच संभालने भेजते हैं कप्तान, बड़ा शॉट वहां पर, पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश वहां पर तमीम की, और अपना विकेट देकर वापस, पहला झटका लगता हुआ वहां पर तमीम के रूप में नौ रनों पर, चूंकि एक और विकेट के दम पर स्कोर पहुंच चुका है नौ रन, जीत के लिए अब भी 46 रन की जरूरत है वहां पर 30 गेंदों में, 30 गेंदों में 46 रन की जरूरत, चूंकि तमीम की जगह समझने जा रहे हैं निनाद, काफी बढ़िया बल्लेबाज माने जाते हैं यहाँ पर आफ्ताब लोनावटी की तरफ से, निनाद देखेंगे कितने रन बदल पाते हैं अपनी टीम के लिए, अपने और अपनी टीम के लिए देखेंगे कितने रन बदल पाते हैं यहाँ पर निनाद, और देखेंगे दूसरी ओवर किसको लगाते हैं मोर्चे पर, हमें लगता है मुनीब को दूसरी ओवर दी गई यहाँ पर एमएनसीसी जसवली की तरफ से, और कप्तान ने मोर्चे पर लगाया यहाँ पर मुनीब को, जबकि इसकी पहले की मैच में काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी वहां पर मुनीब ने, और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे इसकी पहले की मैच में, काफी भरोसा भी दिखाते हुए यहां पर आबिद अपने गेंदबाज पर मुनीब पर, थोड़ी सी फील्ड सेट करते हुए यहां पर कप्तान, जो
जबकि एक ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंच चुका है 9 रन और अपर दसवेली का यहां पर एक ओवर के इख्तिताम पर स्कोर था 10 रन सिर्फ एक रन पीछे है पर दसवेली ने कोई विकेट नहीं गवाया था और यहां पर एक विकेट गवाया है आफताब अली मौलवी ने पहली बार यहां पर पटकी हुई गेंद ऑप्शन से बाहर जाते हुए गेंद अंपायर का इशारा वाइड बॉल और पहली अतिरिक्त बॉल यहां पर अतिरिक्त गेंद एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ वहां पर इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर स्कोर वही पहुंच चुका है 10 रन जो कि एक ओवर के इख्तिताम पर दसवेली का स्कोर था 10 रन और जो कि आफताब अली मौलवी का स्कोर भी 10 रन फिर एक बार राइट हैंड विकेट की बाजी करेंगे यहां पर हल्के हाथों से खेला ऑफ साइड की दिशा में एक रन मुकम्मल किया आसानी से एक रन मुकम्मल काफी बढ़िया वहां पर बल्लेबाजी वहां पर हल्के हाथों से खेला ऑफ साइड की दिशा में नवेद ने इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन एक गेंद और 11 रन फिर एक बार राइट हैंड विकेट की बाजी करेंगे पर निमात के लिए हल्के हाथों से खेलने कोशिश कट लगी थी लगता है हमें अंपायर का इशारा एक रन इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन कट कराने की कोशिश वहां पर निनाद की पटकी हुई गेंद थी ऑफसाइड की दिशा में खेलने की कोशिश काफी बढ़िया गेंदबाजी वहां पर मनीप की राइट हैंड आर्म विकेट गेंदबाजी करेगी वहां पर नवीद के लिए लेग साइड की दिशा में खेला हिट कराने की कोशिश वहां पर एक रन मुकम्मल किया दूसरे रन के लिए आना चाहते थे पर एक ही रन से संतुष्ट कराया वहां पर निनाद ने काफी बढ़िया रनिंग बैटिंग द विकेट एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन चूंकि तीन गेंदें हो चुकी है स्कोर की तीन गेंदें आना शेष ओवर द विकेट राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर निनाद के लिए फिर एक बार पटकी हुई गेंद ऑफसाइड की दिशा में खेला थोड़ी सी मिसफील करते हुए यहां पर मीरान एक रन मुकम्मल किया दूसरे रन के लिए आना चाहते थे पर एक ही रन से संतुष्ट और इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन काफी बढ़िया गेंदबाजी की है वहां पर एक विकेट लेकर चार गेंदे हुए इस ओवर की दो गेंदें आना शेष राइट हैंड विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर नवीद के लिए देखेंगे नवीद क्या कर पाते अपनी टीम के लिए एक स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद अंपायर का इशारा वाइड बॉल इस एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन चार बॉल इस ओवर की दो गेंदें आना शेष राइट हैंड विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर नवीद के लिए हल्के हाथों से खेला वहां पर फॉलो थ्रू में गेंद पकड़ी कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं स्कोर वही के वही रुका हुआ था मामा 15 रनों पर इस ओवर की एक गेंद आना शेष काफी बढ़िया गेंदबाजी की है यहां पर 6 रन खर्च किए 5 गेंदों में उसके अंदर 2 अतिरिक्त रन दिए गए यहां पर फिर एक बार राइट हैंड में गेंदबाजी करी यहां पर फिर एक बार पटकी हुई गेंद ऑफसाइड की दिशा में खेला वहां पर बढ़िया शॉट अंपायर का इशारा गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन और यहां पर सिर्फ कट कराया वहां पर गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रन इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन दो ओवर किक के दम पर स्कोर पहुंच चुका है 21 रन काफी बढ़िया गेंदबाजी की यहां पर दो ओवर किक के दम पर स्कोर पहुंच चुका है 21 रन जीत के लिए अभी भी 34 रन की जरूरत यहां पर 24 गेंदों में 24 गेंदों में यहां पर 34 रन की जरूरत है अगर इस मैच को जीतना है तो आफताब अली मौलवी को अगर क्वालिफाई करना है यहां पर सेमीफाइनल में तो और यहां पर एमएससी जसवाली को अगर यह मैच जीतना है तो 34 रनों के अंदर यहां पर रोकना होगा बल्लेबाजों को 24 गेंदों और 34 रनों की जरूरत यहां पर काफी रोमांच भरा मुकाबला अब तक एक पावर प्ले का ओवर आना बाकी है बैटिंग पावर प्ले का ओवर बाकी है देखेंगे बल्लेबाजी टीम कब लेती है बैटिंग पावर प्ले अपना चार ओवर में बॉलर नेम इब्राहिम क्योंकि कप्तान ने मोर्चे पर लगाया यहां पर तीसरे गेंदबाज को लगाया यहां पर तीसरे ओवर में इब्राहिम को जीत के लिए अभी भी 24 गेंदों में 34 रनों की जरूरत
24 बॉल और 34 रन। देखेंगे कितने रन बदल पाते हैं दोनों बल्लेबाज निनाद और नवीद। इब्राहिम काफी बढ़िया गेंदबाज माने जाते हैं यहाँ पर एमएनसीसी चसवली की तरफ से। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। निनाद बैटिंग क्रीज में तैयार है यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बॉलर है यहाँ पर। पटकी हुई गेंद नेक्स्ट से बाहर जाती हुई गेंद अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। जीत के लिए अभी भी 24 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है यहाँ पर। अगर आफ्ताब लोन पर मैच जीतना है तो 24 गेंदों में 33 रन बनाने होंगे। यहाँ पर हिट करने की कोशिश बढ़िया बॉल यहाँ पर पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद पूरी तरीके से चकाया बल्लेबाज को। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं उस गेंद पर। स्कोर वही के वही रुका हुआ था 22 रनों पर। जीत के लिए अभी भी 23 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। लेफ्ट हैंडेड बॉलर यहाँ पर इब्राहिम और यहाँ पर बढ़िया शॉट वहां पर देखेंगे क्या कर पाते हैं यहाँ पर। और इतनी बढ़िया फील्डिंग एक आसान सा कैच वहां पर मुनीब को और यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ आफ्ताब अलनवालवटी को यहाँ पर निनाद के रूप में। दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर निनाद के रूप में आफ्ताब अलनवालवटी को और बढ़िया गेंदबाजी वहां पर इब्राहिम की। पढ़ने के बाद पहाड़ जाती हुई गेंद ऑफस्टंप से बड़ा हिट लगाने की कोशिश वहां पर मीनात की पर उतनी ही बढ़िया कैच वहां पर बाउंड्री लाइन पर मुनीब की। तीसरा झटका लगता हुआ वहां पर मीनात के रूप में जो कि मीनात की जगह समझ लेते हैं फरहान जो कि अब इस जोड़ी पर निर्भर होगा फरहान की और नवीद की क्या अपनी टीम को यहाँ पर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कराते हैं क्या। काफी बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं यहाँ पर फरहान ओपनिंग भी करते हैं यहाँ पर आफ्ताब अलनवालवटी की तरफ से पर आज थोड़ा नीचे रखा हुआ है पर मध्य क्रम में मिडल ऑर्डर में रखा हुआ है उनको। इब्राहिम लेफ्ट हैंड बॉलर यहाँ पर लेग साइड की दिशा में यहाँ पर बढ़िया शॉट गेंद सीधी सी मारेगा के बाहर 6 रनों के लिए। पढ़ने के बाद थोड़ी सी गेंद लेग स्टंप की दिशा में आती हुई उतना ही बढ़िया शॉट वहां पर बढ़िया हिट किसी भी गेंद वहां पर किसी भी फील्डर्स को कोई मौका नहीं गेंद पकड़ने का। गेंद सीधी सी मारेगा के बाहर 6 रन। इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। एक बार ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर नवीद के लिए और यहां पर रॉक रॉय यॉर्कर गेंद वहां पर यॉर्क कराने की कोशिश पूरी तरीके से चूके वहां पर पड़ने में गेंद को वहां पर नवीद। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं काफी बढ़िया कमबैक किया वहां पर छक्का खाने के बाद इब्राहिम ने जो कि विकेट गया वो जो कि उसके पहले विकेट गया उसके बाद में छक्का फिर उसके बाद में डॉट बॉल काफी बढ़िया कमबैक वहां पर इब्राहिम का। फिर एक बार ओवर द विकेट यहां पर ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद गेंद सीधी सी मारकर के बाहर 6 रन। काफी बड़ा हिट वहां पर काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए जो कि कट कराई थी ऑफ साइड की दिशा में वही छक्का लगाया था फिर एक लेग साइड की दिशा में लगाया फिर एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्का लगाया तीसरा छक्का वहां पर लगाया नवीद ने जो कि स्कोर पहुंच चुका है 34 रन 34 रन। फुल टॉस बॉल हल्के हाथों से करा काफी स्वीट भी मेरा क्रिकेट खेलता है छक्का लेने के बाद हल्के हाथों से एक रन से संतुष्ट। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। जीत के लिए 18 गेंद और 20 रनों की जरूरत। अगर आफ्ताब अलन वालवटी को यह मैच जीतना है तो 18 गेंदों में इब्राहिम तीसरी ओवर में काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए पर नवीद 22 रनों पर खेल रहे हैं चूंकि 35 रनों में 22 रन सिर्फ नवीद ने बनाए वहां पर तीन छक्कों की मदद से काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है।
हर दिशा में वहां पर छक्का लगाया, ऑफ साइड की दिशा में, लेग साइड की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जो कि चौथी ओवर लेकर आए, जो कि बड़े गेंदबाज मीरान एमएनसीसी जसवाली की तरफ से यहां पर मोर्चे पर कप्तान ने भरोसा दिखाया वहां पर मीरान पर। देखेंगे क्या कर पाते हैं, क्या नवीद का विकेट ले पाते हैं यहां पर मीरान। अगर नवीद का विकेट लेते हैं तो काफी बड़ा विकेट माना जाएगा, क्योंकि काफी बड़े लय में दिख रहे हैं नवीद आफ्ताब अलम नालवटी की तरफ से। 22 रनों पर खेले हैं, चूंकि 18 गेंदों में 20 रनों की जरूरत यहां पर जीत के लिए। काफी बड़ा सूट भी बड़ा क्रिकेट खेल रहे वहां पर नवीद, चूंकि 2 विकेट जाने के बाद वहां पर मीनादर तमीम का अकेले वहां पर डटे हुए है अपने टीम को वहां पर सेमीफाइनल में क्वालिफाई की दौड़ में ले जाने के लिए। 18 गेंदे और 20 रनों की जरूरत, और काफी बढ़िया गेंदबाज माने जाते हैं यहां पर मीरान भी एमएनसीसी जसवाली के। देखिए क्या कर पाते अपनी टीम के लिए, और वहां पर फॉलो थ्रू मार्क कर रहे हैं अपना, अभी भी पावर प्ले बाकी है, 3 ओवर में 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले आना बाकी है। राउंड विकेट गेंदबाजी करने पर नवीद के लिए पटकी हुई गेंद, नेक्स्ट से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, अतिरिक्त रन यहां पर एक रन मिलता हुआ यहां पर, जो कि स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, 36 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। फिर एक बार राइट में विकेट गेंदबाजी करने पर नवीद के लिए, और अपील हुई अंपायर का इशारा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, काफी बढ़िया गेंद वहां पर पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई, चकाने की कोशिश वहां पर बल्लेबाज को, पर उतने चुस्त दुरुस्त वहां पर बल्लेबाज, कैच लगी वहां पर, और उतनी बढ़िया कैच स्लिप में वहां पर रियान ने लिया पर एक बढ़िया कैच, और यहां पर नवीद अपना विकेट खोकर वापस, काफी बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर आफ्ताब अलम नालवटी यहां पर नवीद के रूप में, काफी बढ़िया लय में दिख रहे थे वहां पर, 3 छक्के लगाए उन्होंने, काफी बढ़िया बल्लेबाजी की यहां पर नवीद ने, पर अपना विकेट खोकर वापस, काफी बढ़िया। मुझे मैं पहले ही बोला था कि मीरान काफी बढ़िया गेंदबाज माने जाते हैं यहां पर एमएनसीसी जसवाली के, और वहां पर विकेट खोकर वापस नवीद, क्योंकि नवीद की जगह संभाल ले गए बैट्समैन ने सतीश। जो कि नवीद की जगह संभाल ले गए सतीश, दोनों ही अब नए बल्लेबाज फरहान और सतीश। पटकी हुई गेंद लेग साइड की दिशा में गला, अंपायर का इशारा, 1 रन डिक्लेयर, इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। जीत के लिए अभी भी 18 रनों की दरकार, जीत के लिए यहां पर 18 रनों की जरूरत यहां पर, अब काफी बढ़िया गेंदबाज माने जाते हैं वहां पर मीरान, जो कि पहली गेंद वाइड डाली, उसके बाद में काफी बढ़िया कमबैक वहां पर, काफी बड़ा विकेट लिया वहां पर नवीद का, काफी बड़े लय में दिख रहे थे वो। देखेंगे फरहान पहली बार सामना करेंगे पर मीरान का, और भी विकेट गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए, देखेंगे कितने रन बदल पाते हैं अपनी टीम के लिए। वहां पर लेग साइड की दिशा में खेला, वहां पर फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड करते हैं आसानी से 1 रन मुकम्मल, थोड़ी सी आउटफील्ड खराब होने की वजह से थोड़ी सी गेंद इधर उधर जाती हुई, और इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। जीत के लिए अभी भी 17 रनों की जरूरत यहां पर, चूंकि ओवर की 2 गेंद आना शेष, काफी बढ़िया गेंदबाजी की वहां पर, 3 रन खर्च कर कर काफी बढ़िया विकेट वहां पर नवीद का लिया उन्होंने। राइट हैंड में गेंदबाजी करने पर सतीश के लिए, सतीश और यहां पर पूरी तरीके से चकाती हुई गेंद, सीधी गेंद की लिए पर जाकर लगी, और यहां पर एक और झटका लगता हुआ यहां पर, पढ़ नहीं पाए गेंदबाज को, पढ़ने के बाद सीधी गेंद जाकर गिले पर जाकर लगी, और एक और झटका लगता हुआ यहां पर सतीश के रूप में, बड़ा झटका, काफी बढ़िया कमबैक कराया यहां पर,
बढ़िया कमबैक करा है वहां पर मीरा ने अपनी टीम को यहां पर दूसरा विकेट लेकर सतीश के रूप में यहां पर बड़ा झटका क्योंकि सतीश की जगह से मिलने जा रहे हैं बैट्समैन नेम वसीम चुके सतीश की जगह से मान ले रहे हैं वहां पर मयूर काफी बढ़िया गेंदबाजी की है वहां पर मीरान ने दो विकेट लिए काफी बड़े विकेट नवीद कर सतीश का चुके ऐसा लग रहा था जो कि पहले तीन ओवरों में कि आसानी से आफ्ताब लेन वाले भी मैच जीत लेगा जैसे मीरान ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला काफी बढ़िया कमबैक करा है अपने टीम को चुके सिवर की आखिरी गेंद आना शेष चुके स्कोर पहुंच चुका है 38 रन जीत के लिए अभी भी 17 रनों की दरकार 13 गेंदे काफी बढ़िया गेंदबाजी वहां पर देखेंगे आखिरी गेंद पर क्या कर पाते हैं वहां पर लेग साइड की दिशा में खेला वहां पर इतनी बढ़िया फील्डिंग वहां पर मोड़ का खतरा हो सकता है बढ़िया थ्रो और यहां पर रन आउट और यहां पर एक और झटका लगता हुआ यहां पर आफ्ताब लेन वाले टी को रोनाल्डो को यहां पर बल्लेबाजी वापस थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है मुझे लगता है कि यहां पर जबकि परवेश सिंह और आरिफ पठान की तरफ से यहां पर 50 रुपए का मीरान को इनाम आया है जबकि 50 रुपए का इनाम आया है चार ओवर के कदम पर स्कोर पहुंच चुका है 38 रन जीत के लिए अभी भी 12 गेंदे और 17 रन चूंकि तीन ओवर तक के मैच लगभग वहां पर आफ्ताब इलेवन वाले की जोली में मैच था जो कि जैसे ही मीरान ने गेंदबाजी की लगता है वहां पर 50-50 मैच हो चुका है अब 12 गेंदे और 17 रनों की दरकार यहां पर नदीम चूंकि वहां पर नए बल्लेबाज वहां पर मुबीन देखेंगे 12 गेंदे और 17 रन अगर अपने टीम को यहां पर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कराना है तो 12 गेंदों में 17 रन बनाने होंगे यहां पर आफ्ताब लेन वाले टी को और यहां पर मीरान को 50 रुपए का इनाम आया हुआ है काफी बढ़िया गेंदबाजी की यहां पर मीरान ने जो कि 5वीं ओवर लेकर आए यहां पर मुनीब जो कि अब भी बैटिंग पावर प्ले बाकी है एक ओवर का जो कि आखिरी ओवर मुझे लगता है बैटिंग पावर प्ले होगा हुआ अभी नहीं हुआ क्योंकि बैटिंग पावर प्ले हो चुका है सॉरी जो 5वीं ओवर लेकर आया यहां पर मुनीत इस ओवर पर निर्भर करता है जो कि मैच का हाल और पटकी हुई गेंद ऑप्शन के बाहर जाती हुई गेंद अंपायर का इशारा कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं यहां पर बीट होते हुए बल्लेबाज पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद समय नहीं आया यहां पर बल्लेबाज को कट कराने की कोशिश पदारे विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद 11 गेंद और 17 रनों की जरूरत राइट हैंड में कितने बजे करेंगे मुबीन के लिए लेग स्टंप की दिशा में खेला हल्का हाथों से खेला वहां पर एक रन मुकम्मल किया दूसरे रन के लिए आना चाहता था पर एक ही रन से संतुष्ट इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन जीत के लिए अभी भी 10 गेंदे और 16 रन काफी रोमांच भरा मुकाबला यहां पर 10 गेंद और 16 रन काफी बढ़िया कमबैक करा है यहां पर एमएससी दसवाली ने तीसरी ओवर के बाद जो कि लगभग 3 ओवर तक जब तक नवीद बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर लगा था कि आसानी से मैच जीत लेगी वहां पर आफ्ताब लेन वाले टीम जैसे नवीद का विकेट गया काफी परेशानी में टीम दिखी है थोड़ी सी फील्ड सेट करते हुए यहां पर फरहान के लिए थोड़ी लेग साइड की दिशा में लेग साइड में थोड़ी सी फील्ड वहां पर थोड़े से फील्डर्स वहां पर ज्यादा लगाते हुए क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है जो कि बल्लेबाज और यहां पर थोड़ी सी फील्ड सेट करते हुए
ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर फरहान के लिए 10 गेंद और 16 रन काफी रोमांच भरा मुकाबला देखेंगे कौन टीम क्वालीफाई कर पाती है यहां पर सेमीफाइनल में ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर फरहान के लिए क्या एक बड़ा हिट लगा पाते हैं क्या अपने टीम के लिए फरहान काफी बढ़िया बल्लेबाज माने जाते हैं फरहान अपने टीम के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर मुनीब के लिए फुल टॉस बॉल यहां पर गेंद सिटी सीमा रेखा के बाहर 4 रन थोड़ी सी आउटफील्ड खराब होने की वजह से पड़ने के बाद गेंद जेन वन बाउंस ऑन द डिफेंस फॉर 4 रन फुल टॉस बॉल काफी बढ़िया वहां पर बल्लेबाज पूरा फायदा उठाया वहां पर लेग साइड पर फील्डर लगाए थे वहां पर लेग साइड की दिशा में पर किसी भी गेंद वहां पर किसी भी फील्डर्स को कोई मौका नहीं गेंद पकड़ने का गेंद वहां पर सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन इसे 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन फिर एक बार पड़कर बाहर जाती हुई गेंद अपील हुई वहां पर बढ़िया अंपायर का इशारा कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं काफी बढ़िया गेंदबाजी काफी बढ़िया कमबैक वहां पर मुनीब का जिसका स्कोर वही के लिए रुका हुआ थमा हुआ 43 रन जीत के लिए अभी भी 12 रनों की जरूरत जीत के लिए 8 गेंदे और 12 रन ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे अब फरहान के लिए फरहान बैटिंग क्रीज में तैयार ऑफसाइड से बाहर आए यहां पर ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद अंपायर का इशारा वाइड बॉल इसे एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन जीत के लिए अभी भी 11 रनों की जरूरत 8 गेंदे और 11 रन काफी रोमांच भरा मुकाबला देखेंगे किसकी झोली में मैच जाता है यहां पर फिर एक बार पढ़कर लिपिक्सन से बाहर जाती हुई गेंद अंपायर का इशारा वाइड बॉल थोड़ी दिशा से भटकते हुए यहां पर गेंदबाज मुनीब दो वाइड यहां पर एक चौका खाने के बाद यहां पर थोड़े से भटकते हुए यहां पर अपने गेंदबाजी से जो कि स्कोर पहुंच चुका है 45 रन जीत के लिए अभी भी 10 रनों की जरूरत यहां पर 8 गेंदे और 10 रन ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे अब फरहान के लिए पटकी हुई लेग साइड की दिशा में जाती हुई गेंद थोड़ी सी आउटफील्ड खराब है थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन 6 रन 6 रन काफी बढ़िया शॉट वहां पर और इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन 51 रन जीत के लिए अब 4 रनों की जरूरत यहां पर चिकेश ओवर की एक गेंद आना शेष ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यहां पर मुनीब काफी महंगे साबित होते हुए फिर एक बार लेग स्टंप की दिशा में काफी आसानी से छक्का मारा यहां पर काफी बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर फरहान की दो छक्के लगाकर वहां पर आफ्ताब अलोन वालोटी को सेमीफाइनल में यहां पर प्रवेश दिलाया यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशन यहां पर आफ्ताब अलोन वालोटी काफी बढ़िया बल्लेबाजी की वहां पर